और चूहे को भी खाता है? स्नेक स्नेक भी। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ऐसा स्टेट जो अभी भी काफी अनएक्सप्लोर्ड है, और सही मायनों में दिस इज आवर लॉस फॉर नॉट गिविंग दिस ब्यूटी इट्स ड्यू क्रेडिट। टू रीच नागालैंड, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता से आपको गुवाहाटी तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है, और वहाँ से यू कैन कैच अनदर फ्लाइट और ट्रेन टू दीमापुर। ड्यूरिंग माई ट्रिप आई रीच दीमापुर इन नागालैंड वाया बस फ्रॉम आसाम, और वहाँ से 2 घंटे के ट्रेवल में यू कैन रीच टू कोहिमा, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। I traveled to Nagaland to witness the famous Hornbill Festival last year. It's celebrated every year from December 1st to December 10, जहां almost सारी ही Nagaland की tribes एक साथ आती है and introduce us their culture to understand them more. That's Khaja, something local out here. Hornbill के time पे सारे hotels बहुत जल्दी book हो जाते हैं, so don't forget to book in advance if you are visiting at that time. I booked myself at Crescent International Hotel, situated at main town at Kohima, for about 6K for 2 people including breakfast. And that's the Kisana Village entry gate. यहाँ के जो maroons हैं, they look really great. किसामा विलेज इज द डेडिकेटेड लोकेशन फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल, जहाँ कल्चर फेस्टिवल कंडक्ट होता है इन एन ओपन अरेना, और यहाँ पे काफ़ी ट्राइब्स अपनी लोकल हट शेप्स, जिसको कि मुरून कहते हैं, उसमें फूड और मर्चेंटाइज की स्टॉल्स भी लगाती है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू हॉर्नबिल फेस्टिवल। वेदर इज प्रीटी ग्लूमी and that is the reason the raincoat comes very handy. आज चालू होने वाला है और अभी it's just about 10 o'clock, तो 10 या 11 बजे से चालू होते हैं इनके events at arena. पिछले साल कोहिमा में पहली बार दिसंबर में इतनी बारिश हुई, और यहाँ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस भी हुआ जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट करनी पड़ी। There are a few days back, a lot of innocent lives were lost in one district. In view of the same, and in view of the mounting public opinion, the state cabinet this morning has decided to call off the rest of the Hornbill festival. Most sincere and deepest apologies. अब हालांकि फेस्टिवल तो कॉल्ड ऑफ हो गया था, आई डिसाइडेड टू चेक द मुरूंस टू अंडरस्टैंड देयर फूड एंड कल्चर। Our local beans mixed with mensoya example. This is hot, spicy. That's a special rice beer? Yes, yes. How does it taste? It's sour. Tastes like beer. A little different, a little sour, but it's nice, not bad. Okay, cool. Cheers to that. Thank you.
और अब क्योंकि हॉर्नबिल नहीं था, मुझे ऑप्शन मिल गया था टू एक्सप्लोर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड द स्टेट। द वेरी फर्स्ट प्लेस इन द सिटी आई विजिटेड वॉज द कोहिमा सेमेट्री। कोहिमा वॉर सेमेट्री इज अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू सोल्जर्स ऑफ द सेकेंड ब्रिटिश डिवीजन ऑफ द अलाइड फोर्सेज हु डाइड इन 1944। वहाँ से निकल के मेरा नेक्स्ट स्टॉप था कोहिमा कैथेड्रल चर्च। द चर्च इज नोटेड फॉर इट्स आर्किटेक्चर विच इनकॉर्पोरेट्स मैनी एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल नागा हाउसेस। And in Nagaland, if you want to know their interesting animal eating habits, here is a glimpse of what my driver at Nagaland has to say. तो जैसे cat अपना घर का होता है, dog भी घर का ही होता है क्या? हाँ, dog भी घर का होता है, पालना हुआ। तो फिर क्या उसका बूढ़ा होने के बाद में उसको मारता है या पहले? छोटा में भी मार के खा देता है, खाने वाला आदमी। अच्छा, dog को फिर वो प्यार वाला feeling नहीं आता क्या? आता है, कोई भी तो फिर वो देता क्यों है किसी और को? वो अपने पास ही क्यों नहीं रखता उसको हमेशा के लिए? पता नहीं, वो पैसे के लिए होगा शायद। हाँ, कैट का भी ऐसा ही होता है। कोहिमा का कैफे कल्चर भी काफी पॉपुलर है। So I called off my day at Cafe Ate to try out one of their signature coffee brewed out of Nagami's coffee beans. Nagaland आओ तो यहाँ की कॉफ़ी पीना मत भूलना। While waiting for my coffee to brew, I started planning to explore a village of Nagaland the very next day to take you there with me. Aur tab tak, why don't you go ahead and click on the like and subscribe button and hit the bell icon for the notifications of my upcoming videos. Do let me know in the comment sections if you are planning to visit Nagaland soon. I'll be coming back next week with an authentic village tour of Nagaland in my next video, and until then, stay safe, stay healthy, phir milenge.